नमस्कार, वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि गौतम चटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं। आनंद स्वागत है सर, प्रणाम। आज के ये एपिसोड संगीत से जुड़ा हुआ है। संगीत और वेदांत, इस पर सर आप क्या बोलना चाहेंगे? म्यूजिक एज अ वर्ड, अगर इसका सिनोनिम देखें, मीनिंग देखें, तो संगीत की तो बहुत बड़ी धारा है और क्लासिफिकेशंस भी हैं। भारतीय संगीत अलग है, एशिया कंट्री के संगीत एक जैसे हैं, यूरोपियन संगीत उधर अलग, पाश्चात्य देशों में महासागर के पार वो म्यूजिक अलग हो जाती है, बट अल्टीमेटली इट इज म्यूजिक। और मैं ज्यादातर सर आपसे उस पक्ष को जानना चाहूंगी जिसमें हम लोग गीत, वाद्य और नृत्य, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि इन तीनों के समष्टि को संगीत कहा जाता है। व्हाट इज म्यूजिक? गीत, वाद्य, नृत्य। तो उस संगीत को हम कानों से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, महसूस करते हैं, चिंतन करते हैं, तो गाते हैं, तो वाणी में और गले में आता है। तो इस प्रकार तो ये फाइव सेंसेस में ही सीमित है, बहुत लोगों का है। संगीत गांधर्व विद्या है। तो इसके साथ में क्या सच में वेदांत का कोई संबंध है? कहीं जाके ये वेदांत को जोड़ती है? मैं कोई ग्रंथ की बात नहीं कर रही हूँ सर, जिस ग्रंथ में उल्लेख है या कुछ, प्रैक्टिकली इज इट देयर? अगर है तो कहाँ है? अगर उसके लिए हमें 3 4 5 जितने एपिसोड्स करना पड़े, हम करने को तैयार हैं सर, पर इस पर आप बोले कृपया, भारतीय संगीत के इस पक्ष में। और साथ में हमें वर्ल्ड म्यूजिक को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि म्यूजिक हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, हमारे भारत में इसको संगीत बोला जाता है। तो म्यूजिक, फ्रेंच म्यूजिक, म्यूज, अम्यूजमेंट, म्यूज, वहां से वो वर्ड आया, उस हिसाब से आया। और उनकी संगीत अलग है, पाश्चात्य सभ्यता की संगीत अलग है, उसका उनकी उत्पत्ति भी वहीं से हुई, जहाँ से सेंसुरी चीजों से ही बात आई, और फिर बाद में वही फॉर्म आया। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फर्स्ट एंड देन इट्स ऑफ डिफरेंट यूज। पर भारतीय संगीत वेदांत के साथ जोड़ती है। अगर आप इस पॉइंट को दूसरे कोई एपिसोड में क्लियर करेंगे तो सर कर सकते हैं। मैंने आपको आज ये एपिसोड में, शुरुआत के एपिसोड में ये सब पॉइंट्स कि इस पर आप बोले कृपया, जैसे आप। देखिए, संगीत का वेदांत से कोई संपर्क या संबंध है कि नहीं, ये हम लोगों से पहले माँ शारदा के एक शिष्य थे, उनके शिष्य के शिष्य, उनका नाम था स्वामी प्रज्ञानंद। जी और संगीत और संगीत शास्त्र से संबंधित उनकी कुल 13 पुस्तकें, तंत्र पर भी उन्होंने किताब लिखा है बांग्ला में, तंत्र तत्व प्रविष्टिका, और संगीत पर, संगीत शास्त्र पर उन्होंने कुल 13 किताबें लिखी। उसमें उन्होंने वेदांत की दृष्टि को संगीत में देखने की कोशिश की, है ना। हम लोग भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि संगीत और वेदांत के बीच में कोई सहसंबंध है कि नहीं। उसमें पहले हम लोग वेदांत को समझने क्या है और संगीत को समझने क्या है, उसका अस्तित्व भी पता चल जाएगा। वेदांत हम लोग जान चुके हैं, जहाँ दो का भाव नहीं है वो वेदांत, जहाँ आकर के हम इनसेपरेबली वन हो जाते हैं, जहाँ पर सेपरेशन का संभव ही नहीं। प्रेम की ये अवस्था, प्रेम का ये भाव वेदांत, प्रेम का ये ज्ञान वेदांत, क्लियर है। अब संगीत पे आते हैं कि संगीत शब्द और उसका जो अर्थ गौरव है, ये हमें ठीक से कलात्मक स्तर पर हमें मिला है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। और संगीत की जो परिभाषा है,
गायन वाद्य नृत्य ये हमें मिला है 12वीं शताब्दी में, जब शारंग देव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ रचा और उसके प्रकरण अध्याय में उन्होंने इसे बताया कि गायन वाद्य नृत्य इससे संगीत बन रहा है। ठीक है, संगीत शब्द जो शारंग देव ने परिभाषित किया शब्द को, उससे पहले संगीत शब्द पहले भी आ चुका था जब बुद्ध ने शरीर को छोड़ा था और कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उनके वचनों को लेकर, और त्रिपिटक की रचना हुई थी जो शाम के समय बुद्ध की वाणियों को जो पद के रूप में गाया जाता था, जैसे कीर्तन भजन के रूप में चर्या पद चर्या गीति कहते हैं, उसको भी संगीत कहा गया। जी, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव तो हमारे सब चीजों पर पड़ा ही, सारे दर्शनों में, इवन की शैव दर्शन पर भी और आदि शंकराचार्य पर भी संगीत शब्द सबसे पहले आता है बौद्ध वचनों में, बौद्ध वाणी में चर्या पद, और संगीत की परिभाषा जो हमने बताई कि शारंग देव ने दिया। संगीत को ही जिस अर्थ में शारंग देव ने इसे संगीत कहा, यानी गायन वाद्य नृत्य, इसी संगीत के लिए एक शब्द भरत मुनि पहले दे गए हैं, उनका नाम है नाट्य। हम लोग नाट्य का मतलब समझते हैं नाटक, हम लोग ये नहीं समझते कि नाट्य का मतलब ही रस है ना? तो नाट्य का मतलब संगीत है, यानी संगीत गायन वाद्य नृत्य और भाव अभिनय ये है। कई बार शब्द नहीं होने से हम सोचते हैं कि उसका भाव या अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में तेलुगु भाषा में, कन्नड़ भाषा में प्रेम शब्द ही नहीं, जी ये शब्द कभी आया ही नहीं। अगर हम लोग पता करने जाएं, जैसा कि हमको ये पता चला है, तेलुगु भाषा में ये शब्द कभी बोला ही नहीं गया, ये शब्द है ही नहीं। वैसे कन्नड़ भाषा में प्रेम शब्द ही नहीं। और तो और आपको मैं बताऊं, वेद और उपनिषद में प्रेम शब्द ही नहीं आया। जी पूरे वेद में इतना बड़ा वैदिक वाङ्मय है, उसमें ये शब्द प्रेम कभी आता ही नहीं। कबीर साहब का जो ढाई आकर प्रेम है ना, ये भी अलग बात है कि ढाई आकर प्रेम का ब्रह्म को कह रहे हैं। उपनिषदों में 108 उपनिषद हम लोग के पास आज उपलब्ध है और भी है, 108 उपनिषदों में प्रेम शब्द कहीं नहीं आया। ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ। कोई और शब्द आया होगा सर जिसको प्रेम उस आया रूप होगा ना, में आपको लग रहा है, यही मैं कह रहा हूँ कि उस युग संगीत जो वो कह रहे हैं, यूज नहीं होता शारंग था। देव जिसका संगीत कह रहे हैं, वो कोई और शब्द नाट्यशास्त्र में आया है, जी जिसको मतंग मुनि राग कह रहे हैं, कोई और शब्द नाट्यशास्त्र में आया है, यही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, यहाँ तक कि वेद और उपनिषद का पंचम वेद नाट्यशास्त्र में भी प्रेम शब्द कहीं नहीं आया, जो कि सबसे पहले आठ आठ स्थाई भाव की बात कह रहा है, आठ रसों की बात कर रहा है, जहां पर इमोशनल सेंटिमेंट्स की बात हो रही है, वहां भी प्रेम शब्द नहीं आया, जी वहां भी श्रृंगार है और रति है ना। इसलिए हम लोग कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि शारंग देव से पहले संगीत था ही नहीं है ना, या भर तो या पंचम वेद से पहले, उपनिषद से पहले प्रेम था ही नहीं। प्रेम तो हमेशा है, प्रेम का भाव ही तो ईश्वर है, हमेशा और प्रेम का बोध ही ज्ञान, सीधी सी बात, बोध और भाव। तो हम लोग को थोड़ा शब्दों की इस दुनिया को भी समझ लेना चाहिए कि शाब्दिक वांग में क्या है। करेक्ट सर, उसी तरीके से संगीत शब्द भी नाट्य में आया है, अलग शब्द बना है नाट्य शास्त्र, और वहां पर भाव को संगीत कहा गया, जो पत्तियों के बीच में हवा गुजर रही है उसको भरत मुनि ने लिरिकली देखा है, उसको गीत कहा है, उसको संगीत कहा है। जी, दो पत्तियों के बीच से हवा कैसे गुजरती है, इसी भाव के आधार पर पूरा नाट्य शास्त्र रचा गया है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स की परिकल्पना की गई है कि अगर कोई महिला बाल नहाने के बाद सरोवर से बाल को झाड़ रही है, तो जो आवाज हो रही है छन की, तो उसके आधार पर हमने परिकल्पना किया कि अगर बालों के जैसे तार बनाए जाए, उनको छेड़ा जाए, तो जरूर साउंड प्रोड्यूस होगा, रेजोनेंस आएगा, अनुरणन तक आ गया जब उन्होंने वीणा बना दिया। तो ऑब्जर्व करके ना, प्रेम का ही तो भाव था, प्रेम का ही भाव, संगीत का तो भाव है कि उसमें संगीत देखा तो संगीत का इंस्ट्रूमेंट बना बिल्कुल सर,
और उन्होंने भी गायन वादन नृत्य से पहले वादन को रखा, आतुर्य को रखा, ठीक तो है, सर यानी भाव अनुभूति प्रमुख, को, इसको अनुभूति, अनुभूति, इसको अनुभूति, विजुअलाइजेशन भी कह सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, भाव की अनुभूति का विजुलाइजेशन, बिल्कुल सही है। और जब हम लोग विजुलाइजेशन करते हैं तो वही इंडिविजुअल सेल्फ का यूनिवर्सलाइजेशन हो जाता है, वेदांत हो जाता है। ट्रू यही तो हम लोग आएंगे, रस निष्पत्ति यही है, साधारणीकरण जी यही है। तो संगीत यानी कि भाव यानी कि अनुभूति, इसी को हमारे यहाँ ग्रीक माइथोलॉजी में या ग्रीक स्टोरीज के द्वारा म्यूज कहा गया है, उस न्यूज़ भाव के ट्रू कारण। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी म्यूज बनना चाहती हूँ, हाँ हाँ या वो देवी जो है वो म्यूज की देवी कहा हाँ जाता है, वही चाहे। यस 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 अब अगर दोनों एक ही है तो फर्क कहाँ पे आ रहा है, फर्क यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप मॉडर्न ढंग से पिछले 5-600 सालों में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में आप सुने और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को इंस्ट्रूमेंट में सुने, यानी कि अगर हम लोग वीणा को सुने, वीणा में जो ध्रुपद बजाया जाए उसको सुने, और हम लोग बाख, मोजार्ट, बीथोवेन, टाइकोवस्की, चौपिन में से किसी को सुने, थोड़ी देर के लिए दो लोगों को ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं बाख के म्यूजिक को, एक असद अली खान साहब के वीणा को, या उसका जियाउद्दीन खान टागर साहब की वीणा को ले। तो अब देखिएगा जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो ये कि बाख, बाख जब पियानो बजा रहे हैं तो बीच में वो चलते चलते एक जगह रुक भी जा रहा है, फिर उसके बाद नोटेशंस आ रहे हैं, यस यानी साइलेंस बीच में आ रहा है। हमारे करेक्ट यहाँ वादन में या गायन में बीच में कहीं कोई रुकता नहीं है। अगर कोई ध्रुपद गा रहा है, ख्याल गा रहा है, तो गाते गाते आला से आगे हम जो पढ़े अंदर तक, बीच में गाना रुक नहीं जा रहा है, कुछ कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई वर्ड नहीं, एकदम साइलेंस, ऐसा कभी नहीं आता है। पूरा गाना हो जाने के बाद तक ठहरता है, या जब आलाप जोड़ झाला बजा रहे हैं, पूरा प्रस्तुति हो जाने के बाद कोई रुक रहा है, वहां पर वहां रुकना पहले भी है, रुकना इन टर्म्स ऑफ साइलेंस पहले भी है, और हमारे यहाँ ये रुकना पूरे प्रोग्राम के बाद, प्रस्तुति के बाद हो रही है। बीच में ऐसा नहीं है कि असद अली खान साहब या बड़े उस्ताद वीणा बजाते बजाते रुक गए और फिर आगे चले, जबकि बाघ जब बजा रहे हैं पियानो, बजाते बजाते रुक गए, उसकी जरूरत है वहां पर इसलिए, और रुकना नहीं है वहां पर, वो साइलेंस को म्यूजिकल बना रहा है, क्योंकि वहां पर म्यूज है, भाव। और तो फिर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि वहां पर साउंड के लेवल पर ये काम नहीं हो रहा है, उसका जो रसास्वादन कर रहा है उसके भीतर साइलेंस क्रिएट किया जा रहा है, भाव के ट्रू स्तर पर, रस के स्तर पर सेम चीज उसके हृदय में किया जा रहा है, हृदय संवाद करने की कोशिश की जा रही है, रस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, जो सुन रहा है उसके भीतर वो साइलेंस आ रहा है, और उसको ऐसे जगह तक ले जा रहा है जहां पर वो बिल्कुल वो निशब्द हो जाए, निःशब्द हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल और सर वहां पर बाप इंस्ट्रूमेंट में निशब्द हो रहा है, वहां पर जो सामने जो नोटेशंस रखे हुए हैं वहां पर वो ठहर जा रहा है, कोई देखिए उनका जितने भी हैं, किसी भी ऑक्टेव में चले जाइए, जितने भी उनके सिम्फनीज हैं उसमें कोई भी सुनिए, बीच में ऐसी स्थितियां प्राय आती हैं, अगर आप गौर से सुनिए रात के समय में, बहुत ध्यान से, बाख मेरे बहुत प्रिय कंपोजर हैं, और उससे ज्यादा शोर वाले मुझे मोजार्ट लगते हैं, उससे ज्यादा शोर वाले बीथोवेन लगते हैं। हाँ तो बाख के पैटर्न में आजकल भी एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छे कंपोजर हैं, जिनका मैं अपनी फिल्मों में बहुत इस्तेमाल करता हूँ, उनका नाम है लुडोविको इनाउदी, इटालियन है, लुडोविको इनाउदी, इस वक्त जीवित हैं और ही इज अप्रोचिंग 85 उम्र में, उनका आप सुनिए वो आपको बिल्कुल खामोशी की ओर ले जाएंगे, यूट्यूब में उनके अवेलेबल होंगे। तो ये जो खामोशी की भूमिका है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में, सिर्फ उसी का हल्का सा फर्क है प्रेजेंटेशन का, और एक और फर्क है कि जैसे हम तानपुरा या सितार जैसा रोग वीणा के तार को छेड़ते हैं, उसका रेजोनेंस भी होता है, तो रिसाउंडिंग जो हो रहा है रेजोनेंस की बात ही पे मैं आ उसको रही थी सर। हाँ वो अनुरणन हो रहा है, पियानो में वो देर तक नहीं हो रहा है ना, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में वो देर तक नहीं होता है, बस इसको छोड़ दिया जाए तो म्यूजिक में या संगीत में कोई फर्क। अब आगे का आता है, अभी हम लोगों ने वेदांत को समझ लिया क्या होता है, जहाँ दो नहीं है एक ही भाव है,
नाट्य यानी कि संगीत को समझ लिया, जहां पर दो नहीं रह जाते, श्रोता और प्रस्तुतकर्ता, आर्टिस्ट और वो हृदय संवाद हो जाता है और दो सब एक हो जाते हैं, साधारणीकरण हो जाता है, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाता है। वेदांत को भी समझ लिया, संगीत को भी समझ लिया। अब हम आगे बढ़े, पहले दोनों को हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले हम लोग ने देख लिया कि स्वामी प्रज्ञानंद जी ने इस पर किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी वेदांतिक व्यूज को देखने की कोशिश की म्यूजिक में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। उसके आगे बढ़ के हम लोगों ने देखा म्यूजिक किसे कहते हैं और संगीत किसे कहते हैं, दोनों का अर्थ गौरव क्या है। एक तो लिटरेरी मीनिंग है कि गायन वादन नृत्य, पारिभाषिक जिसे ये बी म्यूज एम म्यूज के बीपीएम के विद्यार्थियों को रटने के लिए होता है, गायन वादन नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, समुच्यते समुच्यते। ये हाँ उनके रटने के लिए होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो इसके गहराई में हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपने एक बात कही थी कि जो पांच इंद्रियों से ये जो गोचर हो रहा है संगीत, वहां तक ठीक है, अदरवाइज हम लोग नहीं ले पाते। जी अब इस सर विषय पे आते हैं, उसके आगे जी सर वेदांत समझ के, संगीत समझ के, अब आपके प्रश्न पर वो ये कि अगर आप देखिए हमारे यहाँ जो पेंटिंग में पोर्ट्रेट करता है, हम लोग उसको बहुत उसको मान देते हैं। मान जैसे देते मान हैं। लीजिए, हाँ जैसे अभी मैं कई देशों में गया था और जो हमें कोई डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि तो विदेश जाना तो इसलिए कि हम यहाँ के नागरिक, इसलिए वो विदेश है तो पृथ्वी, और उस जी पृथ्वी में सिर्फ ये फर्क है, हम अमेरिका तो गए नहीं, यूरोपियन देश और एशियन देश, यूरोपियन देशों में ठंड थी और एशियन देशों में गर्मी थी। गर्मी है। यूरोपियन देश के जो पेड़ थे उसमें एक भी पत्तियां नहीं थी, और एशियन देशों के जो वृक्ष थे वो भरे पूरे थे, है भरे पूरे हैं। ना। दोनों में बस ये इतना सब फर्क था, ठंड और गर्म का, और जिसको पत्ती विहीन पल्लव विहीन वृक्ष और पल्लव से बिल्कुल लदे हुए वृक्ष, बस ये फर्क। लेकिन वहां पर मैं किसी एक शहर में ले जाएगा, आर्ट दिखाने ले जाया गया था वहां का, तो शायद वो वेनिस था, तो वहां पर क्या था कि एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको आज हम लोग यहाँ पर बना सकते कटरा बोलते हैं, वहां पर छोटी छोटी दुकानें थी और वहां पर आर्टिस्ट बैठे। भारत में एक आर्टिस्ट से अच्छा माना जाता है जो आपका पोर्ट्रेट बनाए, इसको पोर्ट्रेट कहते हैं चित्रकला की भाषा में, और बिल्कुल सर। वो अविकल अविकल लगे, इतना अविकल है कि जिससे मान लीजिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट बनाया गया है, संगमित्रा जी का बनाया गया है, बीबी गिरी का बनाया गया है, और वो जो खड़े हैं उसमें जो लाइट पड़ रही है वो लाइट भी दिखती है उनके मस्तक पे, है ना। उसको माना जाता है बहुत अच्छा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब तो एक वो भी होता है जो पेंट वगैरह से वो कार को रंगता है। बिल्कुल वहां से बिल्कुल हम और आगे बढ़ गए, जिसको हम लोग प्रोफेसर कहते हैं आर्ट के, उसके भी आगे जो आर्टिस्ट कहे हम लोग, आर्टिस्ट हम लोग उसको सबसे ग्रेट आर्टिस्ट मानते हैं जो पोर्ट्रेट बनाता है और लगता है कि ये मीना कुमारी है जो असली है, ये बोल एब्सोल्युटली पड़ेगी, मोनालिसा भी बोल पड़ेगी ना, है करेक्ट ना, उसको करेक्ट आर्टिस्ट मानते हैं। अब करेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो तो वेनिस में जो कटरा था वहाँ ऐसे 20 छोटे 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 दुकानें थी और उसमें बहुत सारे वो पेंटिंग्स वगैरह रखी थी, सबके बाहर इजल वगैरह रखा था हर दुकान के सामने, इजल जिसमें कि बोर्ड होता है जिसमें कि कैनवास रखते हैं पेंटिंग करते हैं, इजल उसको उसी भाषा में बोलते हैं। अब इजल सब दुकानों के बाहर रखा है, सबके बाहर एक चेयर्स भी रखे, वहां लोग आते हैं उस चेयर पे बैठते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, वो आर्टिस्ट आपका ड्राइंग बनाता है, आपका पोर्ट्रेट बनाता है, वो उसको खरीदता है अपना पोर्ट्रेट, उसको मड़वा के अपने घर में रखता है। ऐसे 20, और वो एक दुकान है 20 दुकानें मान लीजिए, तो यानी ये जो एक दुकानदार है आर्टिस्ट, उसको भी आर्टिस्ट कहते हैं, जिसको कि हमारे यहाँ ग्रेट आर्टिस्ट माना जाता है या वर्ल्ड में माना गया है, रोम में वेनिस में, कि जो मूर्ति एकदम अविकल बना देता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लग रही है, हालांकि अब तो बिल्कुल आप लखनऊ जाइए वहां पर कोई भी मूर्ति किसी से नहीं मिलती है, हाँ कंधे तक की मूर्ति बनाए रखते हैं और जब सरकार के पास से अनुदान आता है खाली सिर बदल देते हैं। उनको हाँ मानना पड़ेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, मानना पड़ेगा कि मावी मूर्ति रहती है, लेकिन कंधे से लेकर ये तक सेम मूर्ति रहती है, ये तो अच्छा फ्रॉड हो गया। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि जिसको ग्रेट आर्टिस्ट माना जाता है, पोर्ट्रेट मूर्ति में या पेंटिंग में बनाना, बिल्कुल सर उसको वहां पर वो आर्टिस्ट ऐसे भरे पड़े हैं जो किसी का भी आपको देख देख के बनाते हैं, स्केच ही नहीं पेंटिंग, और उसको पेंटिंग आपको बनाते माउंट करके और आप खरीद लेंगे। यानी ये हुआ हम लोग
लोग जो इंद्रियों से जो देख रहे हैं, आपने कहा ना पांच इंद्रियों से, इंद्रिय गोचर, उसके आधार पर हमें पोर्ट्रेट बना रहे, उसको हम इतना महान मानते हैं। ठीक है, ऐसे आप देखिएगा बनारस के बहुत आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट जो बड़े बड़े लोग हैं, मनु पारिक से लेकर के और अभी बनारस में भी प्रणाम सिंह हैं, उनके स्टूडेंट्स और उनके साथ साथ के जो कलीग्स हैं सब बनारस के घाट काफी बनाए हैं, काफी लोगों ने चर्चा की है, काफी घाट की पेंटिंग्स बिकती है और घाट की पेंटिंग्स हर कोई बनाना चाहता है, हर कोई खरीदना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आर्टिस्ट का नाम आता है राम कुमार, जो दिल्ली में रहते थे, जो एक लेखक है निर्मल वर्मा, ज्ञानपीठ लेखक, उनके भाई थे राम कुमार, बहुत उच्च दर्जे के चित्रकार हैं, बहुत उच्च दर्जे के कथाकार थे, बढ़ेरा आर्ट गैलरी से उनका पूरा सामग्री भी छपा राम कुमार, और पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं कि वो जो भारत के पांच अगर प्रमुख चित्रकारों का नाम दिया जाए तो उसमें राम कुमार का नाम आएगा, स्वामीनाथन का नाम आएगा। ठीक है, राम किंकर बैज वगैरह जैसे हमारे यहाँ पे शांति निकेतन जी जी बिल्कुल नंदलाल बोस के, उसमें राम नंदलाल कुमार बोस, मॉडर्न, यस आई वाज वांटिंग टू से यस मॉडर्न चित्रकारों में सबसे ऊपर। अब आप उनका घाट देखिए, राम कुमार ने भी बनारस के घाट पर बनाया है, उसमें कहीं भी छतरी नहीं है, सीढ़ियां नहीं है, नदी नहीं बह रही है, तो आंख से जो दिख रहा है, आपने जो मूल प्रश्न किया था, इंद्रियों से जो दिख रहा है घाट, उनके पेंटिंग में कुछ भी नहीं। और अब तक उन्हें पूरे विश्व में बनारस घाट सीरीज का सबसे सर्वोच्च चित्रकार माना गया, मतलब मनु पारेख ने जो बनारस बनाया है, प्रणाम सिंह ने जो बनाया और लोग भी बनाते आ रहे हैं, उनको इस जगह पर नहीं रखा गया है, सब लोग यहाँ पर है और नीचे, लेकिन राम कुमार के घाट को एक आदर्श मान लिया गया है, लोग उनकी कॉपी भी नहीं कर पाते, इतनी अच्छी है। राम कुमार, सैयद हैदर रजा, एम एफ हुसैन, ये लोग एक समय के वक्त व्यक्ति रहे हैं और फ्रांस वगैरह में इन लोग की काफी महत्ता थी, पूरा विश्व मानता है और यहाँ चित्रकार भी मानते हैं कि राम कुमार से बेहतर कोई पेंटिंग नहीं बना पाया है बनारस के घाट पर, उन्होंने और भी बनाए हैं, तो फिर उसमें क्या खास बात है, घाट की कोई चीज दिख नहीं रही है, फिर उनको सबसे बड़ा चित्रकार क्यों माना गया है, क्या इसलिए कोई एब्स्ट्रैक्ट है? हाँ, इसलिए कोई एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो सूक्ष्म है, यानी कलाकार का काम यह भी होता है कि वो जो इंद्रियों से दिख रहा है वो उसे बाहरी चीजों को देख रहा है, फॉर्म, वो भीतर नहीं जा रहा है, भाव तक नहीं पहुंच रहा है, वो किसी का चेहरा, नाक, आंख, उसको जो लाइट पड़े यहाँ तक देख रहा है। राम कुमार ने घाट को देखा, घाट के अंदरूनी सत्व को देखा, उसको बनाया, यानी उसी तरफ से हमारा संगीत जो है उसी इंद्रियों तक सीमित नहीं है, वो हृदय संवाद करता है, उसके भीतर तक ले जाता है, इसीलिए जब कोई किसी का पद गाता है और उसमें अपने भाव लाता है तो थोड़ी देर तक तो असर रहता है, हम कबीर का पद गा रहे हैं, मीरा का पद गा रहे हैं, अच्छा हमारा कंठ अच्छा है, मधुर है, हमने साधना की है और भाव भी है, लोगों को अच्छा लगा, थोड़े समय बाद समय के बीतते जाने से वो भाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाता जी जी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यह है कि वो मनु पारिक की पेंटिंग है, राम कुमार की पेंटिंग नहीं, वो सिर्फ इंद्रिय तक था, इसीलिए लोगों को अच्छा लगा, तालियां बजाई, हो सकता आपको अवार्ड भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, लेकिन वो पेंटिंग मनु पारिक तक रही, राम कुमार तक नहीं पहुंची। तो भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में राम कुमार वाली बात बात शुरू कर रहे हैं कि इंद्रियों तक न रहे, इंद्रियातीत कैसे हो कि वो कालातीत और समयातीत हो जाए। संगीत की इस उच्चावस्था की परिकल्पना नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने की, और वहां से जब शुरू हो रहे हैं तब समझ में आता है कि एक ऋषि मुनि ही वो साइंस भारत में रचा है, ऋषि मुनि संगीत और नाटक की बात क्यों किया है, ऋषि मुनि ही क्यों गणित की बात किया है, इसलिए किया है कि वो जिस अवस्था से चल रहे हैं वहां से ही उच्च संगीत, उच्च कला, उच्च गणित सब हायर चीजें आती हैं, और वही उच्चता जो है वही हमारा वेदांत, और वो जो वेदांत है और संगीत है, अब आप देखिएगा दोनों का लेवल एक हो गया, और जब एक लेवल हो गया ऐसे में हमको ये देखने की जरूरत ही नहीं कि दोनों में कोई सह अस्तित्व है कि नहीं, क्योंकि वो वैदिक स्तर से ही संगीत पर देखा गया है, वैदिक दृष्टि से ही तो संगीत के बारे में सोचा गया है, शास्त्र रचा गया है। क्लियर हो गया? बिल्कुल।
इसलिए हमें हम लोग जब दो चीजों में संबंध देखने जाते हैं, जैसे कि 20वीं शताब्दी में ये भी हुआ, कलाओं का अंतर संबंध, इस पर सेमिनार होने लगे, वेबिनार होने लगे, लेख लिखे जाने लगे, कलाओं का अंतर संबंध देखे और एंथ्रोपोलॉजी को लाए, यानी संगीत को जानना है तो हम इस विषय को भी जाने, मनोविज्ञान को भी जाने, संगीत और मैथमेटिक्स, संगीत और फिजिक्स, म्यूजिक और साइकोलॉजी, म्यूजिक और फिलोसॉफी, इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन शुरू हुआ। लेकिन मेरा यानी स्पीकर का ये ऑब्जर्वेशन है कि ये अंतर संबंध के बावजूद हम लोग समग्र दृष्टि नहीं बना सकते, अब बना ही नहीं सकते। होलनेस का जो एटीट्यूड है हमारे भारतीय दृष्टि में, होलसम में देखना, वो अंतर संबंधों के कारण नहीं आ पाया। भले अंतर संबंधों में हम लोगों ने अंतर वैश्विक चिंतन किया, कई विषय तो आ गए, साइकोलॉजी का भी विषय आ गया, साइंस का भी विषय आ गया, म्यूजिक का भी आ गया, लेकिन अंतर विषय होने के बावजूद, उसमें अंतर संबंध को ढूंढ लेने के बावजूद हमारे अंदर समग्र दृष्टि वो नहीं आ पाई। इसी नहीं आ पाई क्योंकि हम लोगों ने नाटकशास्त्र को पढ़ा ही नहीं, जो समग्र दृष्टि से आरंभ करता है, और जब समग्र दृष्टि से आरंभ करता है उसी समग्रता को ध्यान में रख करके मतंग मुनि प्रियदेशी रचते हैं और शारंगिक संगीत रचना करते हैं। इसलिए अपने प्रारंभिक अध्यायों में सभी संगीत शास्त्री भरत मुनि को प्रणाम करते हैं। भरत मुनि को इसीलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वो समग्र चेतना समग्र दृष्टि की बात आई है, तब हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे कि वेदांत में और संगीत में कोई सहअस्तित्व है। क्या बात कुछ स्पष्ट हो सकी है? या स्पीकर इसको, वक्ता ने कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की, वो स्पष्ट हो पाया? या आप ही बताएंगे कहाँ तक ये क्लियर हुआ, या बोध गम्य हुआ, या कहाँ तक ये लूसिड हुआ, या आप ही बता पाएंगे? तो हुआ ही है। हम अगले एपिसोड में इसको लेके और चर्चा है, क्योंकि ये सर ये वास्ट टॉपिक है, मैं बताऊं। और इसके साथ में सर माने वर्ल्ड म्यूजिक तो बाद में आएगा, पर संगीत के साथ में वेदांत को, क्योंकि संगीत पशु पक्षी प्रकृति उसके साथ आ रही है, और प्रकृति पुरुष शिक्षा इसी पर है। जी 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 नारदी शिक्षा में बिल्कुल सर। हाँ, तो ये प्रकृति और पुरुष, ये ऐसी मेन, अगर हम बेसिक्स पे जाएं तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों से ही इस यूनिवर्स की क्रिएशन है। और इस प्रकार पर अगले एपिसोड में बात हो सकती है कि प्रकृति पुरुष और संगीत के बीच क्या संबंध। जी जी सर, तो धीरे धीरे इसकी फिर क्लैरिटी में और चीजें आएगी, और वेदांत में कहाँ जाके ये सब एक जगह ही मिलती है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद इसको आपको इसके लिए। और हम कोशिश में लगे रहते हैं सर कि इस वेदांत दर्पण, ये जो एपिसोड है, इसके द्वारा जितने भी आज के कलयुग में जो भी कष्ट है, जो भी संशय है, उसको दूर करके, क्योंकि आज के युग में विज्ञान का युग है, और विज्ञान के युग में अर्थ अर्थ जो है धन, वो प्रमुख है। अर्थशास्त्र वो प्रमुख है, अर्थात इकोनॉमी, भारत जिस जगह पे खड़ी है अपनी देश, वहां पर हमें लगता है कि शरीर छोड़ने के पहले अपने देश के लिए कुछ करके जाएं, क्योंकि आज इस शरीर का जन्म है, कल मृत्यु है सर, तो उसके बीच में क्या कर सकते हैं, इसी भावना को लेके मैंने ये वेदांत दर्पण शुरू किया था। और ये ठाकुर की इच्छा है कि आपने हाँ किया, इस पर आपने समय दिया है, बहुत बहुत आभार, प्रणाम, मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। नमस्कार।